हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर पहल ब्रदर्स। तो गाइस आज का व्लॉग रहने वाला है बहुत ही अतरंगी, अजीब, थोड़ा तड़कता भड़कता किन चीजों से। आज के व्लॉग में हमें देखने को ये मिलेगा कि किस में ताकत ज्यादा है, कौन फिजिकली स्ट्रांग है, किस में कितना है दम। तो हम में नहीं, वो किसी और के साथ है। किसके साथ है वो नहीं बताएंगे। व्लॉग में कुछ ऐसा सीन है लड़ाई वाला, बिल्कुल भी मिस मत करना। मतलब वीडियो बहुत बड़ी बनी थी मगर ज्यादा नहीं डाल सकते, छोटी सी वीडियो डाली है। मतलब इतने फनी, मैं वीडियो जब बना रहा था मेरी हंसी नहीं छूट रही थी, रैंडमली बनाई हुई हंसी नहीं छूट रही थी, मतलब हंसी रुक नहीं रुक रही थी। तो गाइस आप भी देख लो, आप भी देख लो और एंजॉय करो। फटाफट चलते हैं। मेरे भाई की मेरे साथ हो गई थी लड़ाई। क्योंकि मुझे तो पता है मेरा टैलेंट, तो इसको टेस्ट करवा रहा हूँ मैं। इसलिए नमक बहुत है। हेलो फैमिली, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम को। आई जस्ट डन विद माय लाइव सेशन। मैं अभी लाइव गया था थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम के ऊपर। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, पर बात नहीं हो पाती आप लोगों से बिकॉज शेड्यूल नहीं बन पाता है। सो इंस्टाग्राम पे लाइव आकर या किसी और प्लेटफॉर्म पे लाइव आकर इकट्ठे सबसे बात कर ली जाती है, सबसे पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए जाते हैं, सबके सवालों के जवाब दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं लाइव आ गया था इंस्टाग्राम के ऊपर। और व्लॉग डालने के बाद पहले मैं रोज़ लाइव आता था, बट अभी शेड्यूल थोड़ा बिजी हो चुका है, हर बार लाइव आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं रोज रो तो नहीं, बट गैप गैप के साथ जितना पॉसिबल हो पाएगा आपके साथ लाइव आता रहूँगा। और आपको एंटरटेन करने का जो हमारा जॉब है, मतलब जो हमें अच्छा लगता है एक्चुअल में, वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और कुछ कुछ चीज़ें मुझे एक्चुअली आज का मेरे पास कोई खास वाला टॉपिक नहीं है व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, बट मैंने रैंडम स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कुछ दिल की बातें आपके साथ की जाएँ, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था करने के लिए, पर मुझे था कि शायद आप बोर ना हो जाएं कुछ भी ऐसे। पर आज कुछ बोरिंग वाला नहीं करने वाला हूँ पहली बात तो। तो पहला तो ये कि मैं आपको पहले बता देता हूँ सिचुएशन क्या है अभी के फ़िलहाल। 7:30 हो रखे हैं फ़िलहाल, एंड लोग लेट शुरू होने का रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हम चिंतपूर्णी माता पे गए थे कल। जिन लोगों ने कल वाला व्लॉग नहीं देखा है मेक श्योर आप चेक करें। और चिंतपूर्णी माता पे जाने के बाद गाइस हम लोग हल्के टायर्ड हो चुके थे, तो आज का पूरा दिन ऑलमोस्ट वहीं निकला। मतलब कज़न के घर पे ही थे हम ऑलमोस्ट, और थके हुए थे थोड़े से। ये वाला व्लॉग जो हमने लास्ट डाल दिया था चिंतपूर्णी माता वाला, वो भी एडिट करना था और हल्का फुल्का एक आध और भी काम था, तो इसलिए पूरा दिन निकल गया। अभी बैठे थे जस्ट, तो आई थॉट कि यार डेली व्लॉग डालना है, तो चलो बैठते हैं और करते हैं बातें। सो गाइस ये मेरा रूम था जहाँ से हम पहले व्लॉग हमने स्टार्टिंग किया था, सबसे पहले स्टार्ट जहाँ से हमने किया था। अभी नहीं दिखाऊंगा मैं अपना रूम, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं अपना रूम टूर दो, तो मेरे हिसाब से भी रूम नहीं है और थोड़ा सा रेनोवेट होने वाला है अभी रूम। सो आई डोंट वांट टू शो दिस। जब मैं प्रॉपर अपना एक ड्रीम रूम होगा मेरा, जो मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ इसमें जो जो हो, तब मैं आपको दिखाऊँगा प्रॉपर अपना रूम। एंड बहुत से लोग यार DM कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि बहुत लोग DM करते हैं, बट ऐसे वाले DM देख के मुझे बहुत अजीब भी लगता है कि लोग DM कर रहे हैं। पहले तो बड़े आराम से हाय हेलो ये वो, उन्होंने हाय लिखा हेलो लिखा, अगर मैंने देखा रैंडम वाले बात करो जो मैंने देखो दिख गया था ऊपर से, उसके बाद लोग गाली लिखना शुरू कर देते हैं कि ओए डैश देखने का थोड़ा, ओए डैश देखने का थोड़ा मैसेज। सो मैंने अवॉइड किया, कोई सीन नहीं है। उसके बाद दूसरा सीन क्या हुआ कि लोग मतलब भेज देते हैं कुछ भी रैंडम, अपनी वीडियो भेज दिया कुछ भी ऐसे रैंडम भेज दिया, तुम्हें अपने बाप की कसम अगर तुमने इसको लाइक नहीं किया, तुम्हें अपनी माँ की कसम अगर तुमने इसको लाइक नहीं किया। क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस बुलशिट यार, मतलब कर क्या रहे हो तुम एक लाइक लेने के लिए, तुम माँ की बाप की मतलब कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। सो बहुत अजीब लगता है गाइस। सो एनी हाउ जो भी है, जैसे भी है, लोगों की लाइफ है, लोगों को अपने तरीके से जीने देते हैं हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। बट किसी के ऊपर थोपा मत उस चीज़ को कि लाइक करो ये करो वो करो, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो पूरे दिल से वो खुद ब खुद लाइक करेगा, शेयर करेगा, फॉलो करेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे काम छोड़ दो यार, कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके अलावा गाइज
लाइफ बहुत शॉर्ट चल रही है, आप डेली व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, व्यू बहुत कम आते हैं। एक्चुअली बहुत से लोग बोलते हैं कि गाइज आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है एज इंस्टाग्राम पे, उसके अकॉर्डिंग आपको व्यू इतने खास तो आ नहीं रहे हैं, आप फिर भी अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, फिर भी अपना मेहनत इतनी लगा रहे हो। रील बनाने में 10 से 15 मिनट में आप आराम से 5-6 रील्स बना लेते हो, और व्लॉग करने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, और कंटेंट सोचने में बहुत टाइम लगता है। सो हाउ यू कैन पॉस, मतलब कैसे आप लोग कर रहे हो या क्यों कर रहे हो? एक्चुअल में कैसे कर रहे हो तो बहुत कम पूछते हैं, क्यों करते हो पूछ रहे हो कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे वैसे ये वो। बट आई थॉट यार कोई बात नहीं, 10,000 लोग देख रहे हैं, 15,000 लोग देख रहे हैं, 20,000 लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, कम देख रहे हैं पर देख तो रहे हैं, प्यार तो दे रहे हैं। सो वी आर रियली रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आप जितना भी जितनी भी हम फैमिली हैं इस टाइम इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, हम सबको एक बहुत अच्छी फैमिली की तरह मानते हैं, और आप भी हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हो हमें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर, बहुत अच्छा आप अपना प्यार दिखा रहे हो, तो बहुत सी चीज़ें हमें बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अभी बहुत सी चीज़ें मैंने सोचा था कि रेनोवेट करना है घर को, और एक दो चीज़ें और लानी है घर में, एडअप करनी है फॉर माई व्लॉगिंग सेटअप, तो उसमें से एक आध चीज़ अभी तक आ चुकी है, बट मैं आपको एक आध चीज़ें दिखाऊंगा, जब प्रॉपर सारा कुछ सेटअप हो जाएगा तब आपको मैं शो करूंगा अभी क्या है कैसे है ये वो। और आज मम्मा थोड़े से बीमार हैं, उनको मतलब ज़्यादा वाला कुछ खास नहीं, हल्का फुल्का बीमार है मम्मा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, जैसे बीपी वगैरह कम हो जाता है मम्मा का कभी कभार, तो आज मम्मा थोड़े बीमार हैं, इसके कारण खाना हमें लाना पड़ेगा बाहर से, और व्लॉग को ऐसे ही बोरियत में नहीं जाने देंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा भी हुआ था वो भी आपको बता देते हैं। तो कल जैसे हम मासी के घर थे, तो मॉर्निंग हम उनसे मतलब लेट आए हैं वहाँ से, तो मॉर्निंग में मेरे भाई की मेरे से हो गई थी लड़ाई, रियल वाली लड़ाई नहीं थी, मस्ती मजाक वाली थी, बट मस्ती मजाक वाली भी एकदम एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंच गई थी। वो लड़ाई कैसे हुई, मतलब कैसे हुई तो मुझे भी नहीं पता, एक्चुअल में हम मस्ती मस्ती में लड़ गए थे, हमें मतलब रीज़न हमें भी नहीं पता अब तक। और प्रिंस ने, मतलब प्रिंस को भी व्लॉगिंग वाले जैसे इसको हो गया शातिर दिमाग, उसने फटाफट कैमरा ऑन कर लिया, स्टार्ट कैसे हुआ ये तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना हमें याद अब तक, बट मिड से रिकॉर्ड हो गया, तो मिड से ही आपको दिखा देते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, तो तब तक आप वो देखिए। मुझे एक छोटा सा अपना काम है वो कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद खाना लेके आना है वो भी ला कर, फिर उससे आगे कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग, तब तक आप वो देखिए। माँ का पोपड़ा वो लोग कितने बैग हैं A few moments later. क्या कबड़ दे कुत्ता? हाँ जी, तो देख ली लड़ाई। तो हमारा तो गाइस ऑलमोस्ट का ऐसे चलता है,
सो कमिंग बैक टू द डे जो अभी चल रहा है हमारा डे, तो ये रहे मम्मा। तो इनको पता लग गया बीमार हो आप। क्यों बीमार हो, क्या हुआ आपको? बीपी लो एज ऑलवेज। हम गए थे ना मम्मा पीछे तो दांत हो गए थे, हमें याद करके। तो मत जाया करो, तुम ना जा, तू भेजा कर रे। माता ने बुलाया, दूसरी माता ने, उनके पास तो जाना पड़ेगा। आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं भैया, सब किस्मत की बात है। हम खाना खाते हैं। तो गाइस मम्मा ने खाने में दाल तो बना दी थी, पर चपाती हमें बाहर से लानी पड़ी है। दाल बनी है काली दाल, काली दाल, पीली दाल, लाल दाल, काली दाल बनी है। दाल मखनी, माँ की दाल, माँ की दाल, प्योर की दाल। मामा हुई पड़ी, कल माँ से मिलके आए हैं, आज माँ बीमार हुई पड़ी है और आज ही दाल बनी माँ की। माँ माँ हुई पड़ी है। तो गाइस अभी हम खाने वाले हैं माँ की दाल दिन फुलके। तो हम फैमिली और मैं, मम्मा ने खा ली, पापा ने, फैमिली और मैं, ये फैमिली और मैं। तो गाइस अभी हम खाने वाले हैं खाना, उसके बाद आपको है दिखाना कि हमने आगे क्या है करना। तो 10:30 हो चुके हैं, खाना आ चुका है, खाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस खाना पानी खा के हम हो चुके हैं फ्री, बज चुका है 1 और अभी हम बनाने वाले हैं वीडियोस, क्योंकि कल चिंतपूर्णी माता पे थे तो मुझे ड्राफ्ट वाली वीडियोस अपलोड करनी पड़ी। परसों मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी, तो आज वीडियोस बना लेंगे और कुछ रख लेंगे कि फर्दरली ड्राफ्ट में रख दें और कभी ज़रूरत पड़े तो उसका प्रयोग कर सकें हम। और ये एज यूजुअल सर, ये फ़ोन में लगे हुए हैं, इनको थोड़ा काम था आज। तो और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं व्लॉग, मतलब स्टार्ट करने वाले वीडियो बनाना, व्लॉग तो कब से स्टार्ट हो ही चुका है। तो गाइस कभी कभी तेज से बोलते ना बंदा फब्बल कर जाता है। और ये रहा हमारा शीशा, ये रहा हमारा, मतलब जिन लोगों को नहीं पता है हम जुगाड़ से वीडियो बनाते हैं, पहले शीशे को रखते हैं उस, क्या बोलते हैं उसको, स्टूल, छोटा स्टूल, पीढ़ी जो मर्जी बोल लो, उसके ऊपर रखते हैं, उसके बाद रिंगलाइट सेट करते हैं और वीडियो शुरू हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शीशे को साफ भी करना पड़ता है, शीशे पे मिट्टी चढ़ जाती है, जो सबसे टफ काम लगता है, मिट्टी चढ़ जाती है। तो पंजाबी हिंदी का इस मिक्स आपको पता ही है। तो मैं अभी इसको करता हूँ साफ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम वीडियो बनाना, और फिर मिलते हैं आपसे, देखते हैं हम कितने टाइम में वीडियोज़ बना लेते हैं और कितने वीडियोज़ बना लेते हैं। तो फटाफट चलते हैं वीडियो बनाने, फिर मिलते हैं आपसे। सो फाइनली वी आर डन विद द वीडियोस, टाइम हो चुका है 2:30 और वीडियोस बना के मैं पूरा फ्री हो चुका था 2:10 तक। मैंने 20 मिनट फोन को चार्ज लगाया था बिकॉज 3% चार्ज ही बच गया था, और इतनी मेहनत करी है, वीडियोस बनाई हैं, तो इसके साथ हमें लग चुकी है अभी भूख। तो ऑप्शन नहीं था कुछ, मैंने पहले चेक कर लिया, ऑप्शन में मतलब था चपाती पड़ी है बट मन नहीं है खाने का। सो वी आर मेकिंग मैगी नाउ, अभी हम बनाने वाले हैं मैगी। तो फटाफट चलते हैं किचन में और आपको भी दिखा देते हैं मैगी कैसे बनती है। आई मीन आपको पता होगा ऑब्वियस सी बात है, पर हम इसमें कुछ भी नहीं डालने वाले हैं, दोनों में बना लेंगे, फिर पानी वगैरह डालते हैं, तो कुछ दिखाने वाला है नहीं, पर 2 मिनट के एक सिंक ले लेते हैं छोटा सा, आपको दिखा देते हैं, फिर खाते हैं। चले चलो किचन में। टारा, सो वी आर इन किचन। मैगी, तो स्टार्ट करते हैं मैगी बनाने की रेसिपी। सबसे पहले आपको पानी लेना है। तो गाइस मैगी तो सबको आती है, इसमें कुछ दिखाने वाला है नहीं। फटाफट बनाते हैं, साथ साथ आपसे कुछ बताते हैं, कुछ बात बात करते हैं। आप लोग को लगते रात सुबह रहते हो रैंडम वाले, मुझे तो अब तक लगने लगी काफी टाइम। जी, और इसके अलावा गाइस मेरे को आपसे ये पूछना था कि आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्या क्या आता है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हमारे साथ टैलेंटेड जुड़े हुए हैं, और अगर आपको कुछ अलग सा आता है या फिर आप चाहते हो मैं ट्राई करूं, तो मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी मैगी बनने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो प्रॉपर रेडी करके आपको मिलते हैं, बिकॉज व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी मैं यहाँ पर बनाता हूँ मैगी और फिर मिलता हूँ पूरा मैगी बनाने के बाद आपको खाते हुए। So guys, now we are having our maggies.
दिखा अपनी मैगी भी। पर तेरी ज्यादा लग रही, मेरी कम लग रही है। ये दूसरे की थाली में लड्डू बड़े लगते हैं। मुझे तो पता मेरा टैलेंट, तो इसको टेस्ट करवा रहा हूँ मैं। नमक बहुत है। नमक नहीं दे लो, पर मसाला डाला। मैंने नहीं, मैंने इसमें डाला चीज। जुड़ी जुड़ी बनी है, टेस्टी नहीं बनी है, मस्त है। तो गाइस देखिए, मेयोनीज के साथ मैं भी एक टेस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट फिर बोलता हूँ। अपने तो गाइस स्वाद है, स्वाद नहीं है वैसे, नहीं स्वाद है। तो गाइस अभी देखिए टेस्टी बनी है मैगी, तो अभी इसको खाएंगे हम आराम से। मैं भी इनको बताना चाहता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम पहले आराम से खाएंगे मैगी और अब बता दो। So this is the end of our video. Hope you guys love it. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। और अगली वीडियो आपके साथ बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, कुछ अलग लाएंगे, डिफरेंट लाएंगे। बाकी मिलते हैं, अभी खाने दो, ठंडी हो रही है, भूख बहुत लगी है। बिल्कुल, मेरे को बोलने का मौका तक नहीं दिया। तो बाय, चाहिए मेरे को देता, आज मैंने इसको नहीं दिया। तो बाय, मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। स्टे ट्यून, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। और बाय, और हमें आइडियाज दो थोड़े।